जो टूटे कोई सपना। कर ले, स्क्रॉल कर ले, स्क्रॉल कर। तू उसको देख, उसको डांस करना कितना अच्छा आता है। इसको देख, उसको कितना अच्छी कॉमेडी करता है। उसे कपड़े पहनने का सेंस देख ले एक बारी, कितना अमेजिंग है। टैलेंट क्या है तुझ में? तो कोई टैलेंट नहीं है, कुछ करना नहीं आता, कुछ पता ही नहीं है। कपड़े तो भूल ही जाओ पहनने आते हो ढंग से। बस वहीं रुक जा, इसके आगे कुछ मत बोलियो। लाइफ खराब हो गया, इतना ज्यादा लाइफ खराब हो गया ना। कुछ भी नहीं आता है तुझे, कुछ भी नहीं आता है। ओ, ओवर एक्टिंग की दुकान, कितनी ओवर एक्टिंग करेगी? ओवर एक्टिंग? किस बात की ओवर एक्टिंग? सही नहीं कह रही मैं? ना टैलेंट है, ना पढ़ाई में अच्छी है, दिखती तो वैसी अच्छी नहीं है। कपड़े पहनने का तो ढंग बिल्कुल भी नहीं आता। आता क्या है तुझे? गुड फॉर नथिंग। पर मुझे तो डांस करना आता है। तुझे नहीं आता डांस करना? अगर तुझे लगता है कि तुझे डांस करना आता है, पता नहीं क्या सोच रही है तू। उसको देख, बहुत बढ़िया डांस करती है वो। तो कुछ भी नहीं है उसके कंपैरिजन में। जग सूना सूना लागे। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ यू आर डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्व्स। टुडे आई एम हियर विद अनदर टॉपिक दैट केम टू माई माइंड, विच इज इम्पैक्टिंग अ लॉट ऑफ अस, विच इज सेल्फ एस्टीम। तो ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मुझे, क्योंकि सेल्फ एस्टीम, ऑल्दो मैंने एग्जाम्पल सोशल मीडिया का दिखाया, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा, बहुत और चीज़ों से जुड़ा है। बट मुझे लगता है कि वर्चुअल जमाने में, ये सोशल मीडिया के जमाने में, आज की डेट में सेल्फ एस्टीम काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। और इसके रीजंस बहुत अलग होते हैं, सब इंडिविजुअल्स के लिए अलग होते हैं। बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, सो आई एम हियर टू शेयर माई एक्सपीरियंस। बट आई एम ऑल्सो टूडे कॉलिंग इन समवन एल्स टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन व्हेन इट कम्स टू सेल्फ एस्टीम। इफ यू हैवन्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल सो फार, प्लीज डू सब्सक्राइब। क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन दैट्स राइट बिलो दिस वीडियो। इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, देन वेलकम बैक। बचपन से ही आप दूसरों के साथ कंपेरिजन चलता रहता था, या आप खुद ना करना चाहो तो कोई और कर देता था या करता है। अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स वो कॉन्शियस होता है और समटाइम्स वो अनकॉन्शियस होता है कंपैरिजन। सो कंपैरिजन की वजह से हमारा खुद का सेल्फ एस्टीम इतना लो होने लग जाता है कि हमें लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। सो टुडे आई थॉट दैट लेट मी ब्रिंग इन समवन टू टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑन सेल्फ एस्टीम। सो लेट्स हियर फ्रॉम आरुषि ऑन व्हाट शी हैज टू से अबाउट सेल्फ एस्टीम। हाय, आई एम आरुषि, एंड टू मी सेल्फ रिस्पेक्ट इज हाउ आई सी माय सेल्फ। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन ऑफ माय सेल्फ, हाउ आई सी माय वर्थ, हाउ आई लाइक माय फिजिकल लुक्स, माय थॉट्स एंड माय कैपेबिलिटीज, मेरा कॉन्फिडेंस एंड मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। सो द थिंग इज, इट हैज़ बीन लाइक आई हैव गॉन थ्रू दैट होल यू नो ऑकवर्ड टीनेज फेज वेयर एवरीथिंग सीम्स नॉट ओके एंड एवरीथिंग विद यू इज अ प्रॉब्लम। बट सेल्फ एस्टीम गेट्स हैम्पर्ड इन लाइक अ लॉट ऑफ वेज। व्हेन यू सी लाइक, हम अगर अपने फिजिकल अपीयरेंस पे जाएँ, व्हेन वी सी समबडी हु इज prettier than us, than you know, जो हमने हमारी सोसाइटी ने सोशल स्टैंडर्ड्स अनसेड सेट कर रखे हैं, when we see someone prettier, when we see someone more talented, when we see them achieving things you are trying to do but you can't achieve, we feel put down, we feel as if we are incapable of doing things, and that's where the self-esteem drops. I've had personal experiences with in terms of appearance, in terms of my capabilities, you may start a project which you are, you know, really passionate about, you're really interested in it, but because it takes time for something, you know, it takes practice in any activity, it may often be that, you know, somebody is ahead of you in terms of progress, and you may feel that, you know, I can't do this, I am incapable of doing this. So we end up comparing ourselves, and it's just how our, you know, brain works.
that is it basically. Thank you. Self confidence बढ़ाने के लिए जो मैंने किया is take a step back from comparison, unhealthy comparison. The moment I started comparing myself, I realized that I'm degrading myself. तो एक कंपैरिजन होता है जो हेल्दी होता है, जहाँ पे हम किसी को आइडियलाइज कर रहे हैं या किसी से सीख रहे हैं, वो अलग बात है. बट जब आप किसी को, जैसे ही आपको लगे कि आपने अपने आप को किसी के साथ कंपेयर किया और इमीडिएटली अपने आप को डिग्रेड किया कि यार ये तो कितना अच्छा है, मुझे तो कुछ नहीं आता, वो कंपैरिजन ठीक नहीं है. सो द मोमेंट यू रियलाइज दैट फीलिंग, स्टेप बैक फ्रॉम इट. अगर आप जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो एंड यू रियलाइज इट, put your phone aside, do whatever you want to do, like to really guard yourself from those people, from that feeling who will make you feel that tum acche nahi ho. You're the best, yeah, you have a lot of talent. Yes, of course kahin pe bhi kuch bhi karne ke liye mehnat karni padti hai. So everybody who has like, for example, if it comes to social media, jitne sare social media influencers hai, agar unke itne sare followers hai, kyun hai, aise hi nahi ho gaye hain? They worked hard for it, no doubt. ठीक है, कुछ लोगों का luck भी है, but most of them they worked really hard for it. And for that, हमें जो करना है, हमें comparison नहीं, हमें inspiration लेनी है. और अगर हम वो नहीं ले सकते, तो let's step back. That's okay. What I try to do is, जो मैं अभी कर रही हूँ, बिना सोचे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, just like out there. Doing whatever I like to do or whatever I enjoy doing. But the point is that I took that first step to build that self-confidence. So the first step has to be taken by you and you only. Nobody else can do it. So aaj ke liye itna hi, all the very best in building your self-confidence and self-esteem journey. I hope you really liked the video. And feel free to share your stories in the comment section below. I would love to hear from you and your experiences as well. Thank you so much for watching. That's all from me today. I will see you next time. Bye.